हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम बात करेंगे क्रेटा, हुंडई क्रेटा के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर एसयूवी है। 2015 में ये गाड़ी पहली बार इंडिया में आई थी और तब से लेकर आज तक ये हर किसी के दिलों पर राज करती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। हम आज बात करेंगे हुंडई क्रेटा एसयूवी के बारे में, जो कि एस मॉडल है, और हमारे साथ हैं पंकज जी। पंकज जी, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा चैनल पर। कैसे हैं सर? फाइन फाइन, थैंक यू अमन जी। हाँ, वेलकम टू आवर चैनल। पंकज जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम पंकज है जी, मैं द्वारका में रहता हूँ एंड आई एम अकाउंटिंग प्रोफेशनल सर्विंग सिंस लास्ट 15 ईयर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। जी थैंक यू पंकज जी। पंकज जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये गाड़ी लिए आपको कितना टाइम हुआ है? अभी कितना टाइम आप इसको? मेरे को भी 2 महीने के आसपास हुआ जी। 2 महीने हुए हैं, ठीक है। तो पंकज जी, इसमें आपको यही गाड़ी कैसे माइंड में आया कि आपको यही लेनी है, और इसके कंपटीशन में जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपके माइंड में और कौन कौन से वेरिएंट्स थे? जब मैं लेने की सोच रहा था तो उससे पहले मेरे को फॉक्स 7 की टाइगन, ठीक है, एंड टाटा की हैरियर, ओके, ये दो मेरे टॉप उसमें शॉर्ट लिस्ट किए थे मैंने कि मेरे को इनमें से कोई लेने हैं जी। तो फिर ये क्रेटा को शॉर्ट लिस्ट करने का कोई खास रीज़न? हाँ, खास एक बड़ा खास रीज़न ये है कि जी, जब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं एसयूवी टाइप की जी, इस तरह की जो बड़ी पॉपुलर है जी, तो नॉट ओनली आपको व्हीकल देखते हैं जी, मैं जो हूँ मैं देखता हूँ जी ब्रांड की रेपुटेशन क्या है मार्केट में जी, ओके, क्या उनकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है उनकी जी, उनके क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या वो कस्टमर को अपने कैटर करते हैं नहीं करते हैं जी। तो इन पैरामीटर में मैंने देखा कि हुंडई मच बेटर देन अदर्स। अच्छा, मच बेटर देन अदर्स। हाँ, प्रॉपर केयर ये भी लोग भी नहीं करते, इनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियाँ हैं, बट जब देखो कि हु इज़ द बेस्ट आउट ऑफ 3 और 4 तो हुंडई इज़ बेटर था। आपको हुंडई ज़्यादा बेटर लगी? Yes. इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं फॉक्स 7 पूरा चलाता था जी। अच्छा, काफ़ी अच्छी गाड़ी थी जी, बहुत अच्छी गाड़ी है, आज बहुत अच्छी गाड़ी है जी। हाँ। टाइगन भी नो डाउट अच्छी गाड़ी है जी, बट जैसे मैंने कहा आपको कि आफ्टर सेल्स और उनका इनका सर्विस सपोर्ट कैसा रहता है, तो उस मामले में फॉक्स 7 वाले थोड़ा फेल करते हैं। तो आपको लगा कि हुंडई लेना ज़्यादा बेटर है और इनकी सर्विस आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू फॉक्स? जी जी, इसका एक कारण ये भी, मेरे पास एक गाड़ी और भी है, वो भी हुंडई की है, आपकी आइटन है मेरे पास, गेंड आइटन है मेरे पास, तो मैंने देखा कि उनका जो सपोर्ट है आफ्टर सेल्स है जी, दे केयर्स, आप कोई कंप्लेंट रेज करेंगे दे विल रिजोल्व, तो सुनते हैं वो लोग, सुनते हैं, बट अप टू योर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको एक मेंटल पीस ऑफ माइंड रहता है कि जी आपने व्हीकल लिया है, पैसे खर्च किए हैं, ठीक है थोड़ा महंगा होता है, बट आपको तसल्ली रहती है कि सुनवाई होगी हमारी, कुछ कंप्लेंट होती है सुनवाई होगी। वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा ग्रैंड आइटन के साथ, तो फिर मैंने डिसाइड किया रादर देन फॉक्स 7 हुंडई को प्रेफर किया जाए जी। तो ये कौन सा वेरिएंट है सर? ये एस मॉडल है सर, एस मॉडल, एस वेरिएंट है, पेट्रोल है ये, पेट्रोल वेरिएंट, और आपका ये मैनुअल है जी। और आप कितनी चला चुके हैं गाड़ी अब तक? ये अराउंड 1500 चला। पहली सर्विस हो चुकी है इसकी? अभी पीछे 2 दिन पहले करा गया। अच्छा, तो सर्विस रिव्यू क्या क्या देना चाहेंगे आप सर, सर्विस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहली सर्विस में कुछ खास करते नहीं है जी, मतलब ये आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट चेक करते हैं, तो कुछ खास किया नहीं। हाँ, बट उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, आप जाओ प्रॉपर, आपको किसी तरह का कोई इशू, इनिशियल इशूज कोई आपको आ रहा हो गाड़ी में? कुछ था आपका इंफोटेनमेंट के लिए, कुछ था तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व किया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। और बाकी वैसे फर्स्ट सर्विस पे कोई चार्ज नहीं लगता है? तो कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है। तो सर, आप इसको अभी तक कितना, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक लेके गए हैं, कितना? मैं अभी पीछे गया था जी, पंजाब जलंधर तरफ गया था जी। अच्छा, तो 400 किलोमीटर की ड्राइव है जी, वन साइड, तो मैं वहाँ ले गया था उसको अभी। तो कैसा रहा कम्फर्ट आपका, कैसा रहा सर गाड़ी? सुपर, नो डाउट कि क्रेटा इस मामले में काफ़ी बेस्ट मानी जाती है, लेकिन आपका अपना पर्सनल कैसा रहा, मतलब बहुत बढ़िया रहा आपको लगा? ड्राइविंग कम्फर्ट परफेक्ट है इसका जी, तो आपको थकावट नहीं होगी लॉन्ग ड्राइव में। आपने एक स्ट्रेच में कितना कंटिन्यूस ड्राइव किया था? मैंने अराउंड 250 किलोमीटर। यस यस यस। और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? ऑफ रोडिंग वगैरह की इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ रोडिंग नहीं किया आपने, ठीक है। तो सर, इसमें आप मुझे ये बताइए कि जब आप इसको गाड़ी को चलाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपको लगता है कि आप एक अच्छी एसयूवी चला रहे हैं? आपने ये कितने की पड़ी थी आपको? ये मेरे को पड़ी 14.5 लाख की। तो सर, 14 में आपके पास और भी ऑप्शंस खुल जाती हैं जो आप नेक्स्ट में जा सकते हैं प्रॉपर एसयूवी के? जैसे मैंने कहा आपको, मेरा चॉइस थी पहले फॉक्स 7 की, ठीक है, टाइगन वो इसी कंप्यूटर है जी, ओके, तो मैं उसमें जा सकता था, दैट वाज मेरी फर्स्ट चॉइस, बट वही आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है जी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। फिर मेरे को मन ना करते उसको ड्रॉप करना पड़ा उसको। इसकी बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग कहते हैं कि 8-8 महीने की, 6-6, 8-8 महीने की बुकिंग रहती है, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखो, मेरे को तो विद इन 2 मंथ्स मिल गई है। अच्छा, और जो ये लोग कहते हैं ना जी, आधा तो हाइप है इसमें से, ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं कि कंपनी हाइप क्रिएट करती है? यस यस, रियलिटी नहीं है जी, रियलिटी नहीं है जी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का जी, आप ऐसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करिए जी, आपको गाड़ी मिल जाएगी विद इन टू मंथ। आप कह रहे हैं कि अगर हम बुकिंग कराते हैं क्रेटा की, तो ये 6-8 महीने की जो बुकिंग बताई जाती है वो रियलिटी में नहीं है? रियलिटी में नहीं है जी।
ये कलर और वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है या अक्रॉस ऑल ऑल वेरिएंट सेम रहता है? एक्चुअली आपका जो बेस मॉडल दैट इज होट सेलिंग के एक दिया उनका ना जी, होट सेलिंग है बिल्कुल, उसी के ये कहते हैं कि जी 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ बुकिंग है, बट आपको गाड़ी मिल जाएगी जी। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं सर जो आपको मिले हैं इस पर्टिकुलर वेरियंट में, क्या फीचर्स मिले हैं? इसमें तो आपका देखो डीप हो गया मुझे अच्छा लगा इसका पीछे ऑटो, आपका उसके बाद आपका ये पुश बटन स्टार्ट अच्छा लगा मेरे को जी। आपका दूसरा सबसे मुझे बेटर जो लगा इसके अंदर आपका इंफोटेनमेंट में आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले बड़ा कंफर्ट रहता है आपको, आपका नज़र सामने रहती है। एंड्रॉइड ऑटो जो है वो वायरलेस रहता है? नहीं वायरलेस नहीं, वायरलेस वायरलेस नहीं है जी, आपको केबल से केबल लगानी पड़ेगी। हाँ एप्पल कार प्ले करें जो वो वायरलेस, वो वायरलेस है ठीक है। कितने इंच का इंफोटेनमेंट है इसका? शायद 8 इंच का, 8 इंच का। बाकी इसमें क्वालिटी कैसी रहती है, साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी इसकी? एवरेज है, इतनी अच्छी नहीं। कौन से स्पीकर्स हैं इसमें? मतलब ध्यान दीजिए, देखना पड़ेगा। जो हायर वेरिएंट्स में बोस के स्पीकर्स आते हैं वो नहीं है? बोस के तो नहीं, बोस के नहीं है जी, बोस के नहीं है जी। तो सर जैसे आपने बताया कि ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, तो इसमें आपको जो BHP पावर को थोड़ी सी लैकिंग नहीं लगता है? इसको लगता नहीं कि थोड़ी पावर कम है, क्योंकि पहले 1.6 लीटर आता था, अभी 2021 में जो इन्होंने वेरिएंट निकाला है वो 1.5 लीटर है, तो पावर में कुछ कमी नहीं लगती आपको? नहीं मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुई, मैं हाईवे पे ले गया इसको जी, कब आपकी 125 पे चल जाती है। आपने मैक्सिमम कितनी चलाई? 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और आपको कहीं भी पावर लैग नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। इसमें एक अच्छा फीचर क्या है इन्होंने दे रखा है जी, ये आपको मतलब अराउंड 110 से ऊपर जाती है गाड़ी, आपको अलर्ट करती है गाड़ी कि यार नाउ यू आर गवर्नमेंट नॉर्म से yes, सब में अच्छा लगा मेरे को। बट आपको फील नहीं होता है गाड़ी कब आपकी 125 पे चली गई, 100 क्रॉस करते हैं आपको फील नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता। और इसको माइलेज, ये माइलेज कितना अभी आपको दे रही है? हाईवे पे 16-17 के आसपास दे रही है, और सिटी में? सिटी में 10 के आसपास है जी। आप कौन से मोड पे चलाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जब इसमें ड्राइविंग मोड्स जो है? इसमें ड्राइविंग मोड नहीं है, इसमें ड्राइविंग मोड भी नहीं है। तो सर जैसे अब इसमें आपको हमने जो बात की आपको फीचर्स जो मिले हैं, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि और इस वेरिएंट में, जैसे आपने ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास खर्चे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कंपनी को 15 लाख की गाड़ी में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इस मॉडल में होने चाहिए थे और कंपनी ने नहीं दिए हैं? क्योंकि कहा जाता है कि क्रेटा जो है उन लोगों की पसंद है जो लुक्स पे अच्छे हैं और फीचर्स वाइज थोड़ा सा जिनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, तो आपको कौन से फीचर्स ऐसे लगते हैं? देखो कंफर्ट के मामले में अगर देखो तो इन्होंने ना जो आपका पुश बटन विंडो डाउन होती है जो ड्राइवर साइड की, वो नहीं दी इन्होंने, जो सिंगल क्लिक डाउन है, जबकि मेरी ग्रैंड आइटन मैग्ना में ये फीचर है, इसमें इन्होंने नहीं दी, इसमें नहीं दिया, इसमें इन्होंने नहीं दी। मेरे को बड़ा बुरा लगा जब मैंने इसको पुश किया था जी। ओके एक्चुअली इन्होंने ये लोग हुंडई वाले क्या करते क्या हैं, ये बेसिकली आपको टेस्ट ड्राइव दिलवाते हैं टॉप मॉडल की जी। हाँ सब जगह ये करवाते सब जगह ये, तो उसमें कस्टमर को चाहिए जूम कर लेता है ये तो होगा, ये सब होंगी चीज़ें, जब एक्चुअल आप बाय करते हैं यूज करते हैं फिर लगता पता वो फीचर यूज है ही नहीं आपके इसके अंदर, तो ये बड़ा एक वो लगता है लेकिन कि इतने पैसे लेने के बाद भी ये बेसिक फीचर नहीं दिया उन्होंने जी। एक कंफर्ट फीचर भी है, सेफ्टी फीचर भी है जी, आपको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जैसे इसमें जो हेड स्पेस है या पीछे वाली सीट पे लेग स्पेस है वो कितने पीछे लोगों के लिए कितना कंफर्ट है? कंफर्टेबल है, पीछे मैंने ट्रैवल किया फैमिली साथ, तो तीन लोग आराम से पीछे बैठ जाते हैं, आराम से आराम से कोई दिक्कत नहीं आती। बूट स्पेस वगैरह 433 लीटर इनफ है, काफ़ी है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब मैंने गाड़ी बाइक परचेज करी मैंने, तो इसका ना साइज मॉडरेट है जी एज कम्पेयर टू हैरियर। हैरियर नो डाउट वेरी नाइस कार, पर उसका साइज थोड़ा ज्यादा है जी, बल्कि और ज्यादा मस्कुलर है, बल्कि है जी। आप सिटी में चलाओगे आपको पार्किंग की इशू भी है इसके साथ, पार्किंग इशू है जी। तो ये जो इन्होंने क्रेटा बनाई है इसके लिए मॉडरेट साइज है ना, आपका कम है ना ज्यादा है आपका। उसमें आपको आप कहना चाहते हैं कि क्रेटा लेने के बाद आपको पार्किंग से रिलेटेड ज्यादा इशू नहीं आएगा? पार्किंग रिलेटेड इशू तो है ही, बट मैं अगर इसी बजट में लंबी हैरियर ले लेता वो बहुत ज्यादा इशू है, सिटी में बड़ा इशू मुझे आता है इसका जी। तो ये प्लस पॉइंट मेरे को लगा कि इन्होंने साइज मॉडरेट बनाया है, इतना कम है ना ज्यादा, जो है ना 5 सीटर ट्रूली 5 सीटर है, इधर ट्रूली 5 सीटर कार है ठीक है। तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं सर? वी आर फोर। तो आपके लिए मोर देन इनफ है ये कार, अच्छी खासी स्पेशियस कार है। जब गए सामान काफी सामान था हमारे पास, तो हमको इस सामान को बूट का काफी सफिशियंट है, तो वो इशू हमें इसके अंदर नहीं आया जी, नहीं आया बिल्कुल। तो सर इसमें और कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे जो आप अलग से बताना चाहेंगे कि इस कार के बारे में या हुंडई के बारे में कुछ अलग? हाँ पहले मैं कार के बारे में बताता हूँ आपको जी। जैसे मैंने बताया इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है जी, नो डाउट। पहले देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, आउटर लुक देखते हैं, इसकी आउटर लुक कैसे है जी। आउटर लुक अच्छी है इसकी जी, इसका साइज मॉडरेट है जो मुझे अच्छा लगा जी। देन हम आते हैं कि ड्राइविंग कम्फर्ट कैसा आपका, जब आप गाड़ी चलाते हैं तब कैसे लगता है जी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तो आपको एंड्रॉइड ऑटो है जी, जब ड्राइव करते हैं तो आपको कम्फर्ट रहता है आपका, आप डाइवर्ट नहीं होते आप इधर उधर। हाँ एक ये बड़ा मुझे अच्छा लगा ठीक है। एक छोटा फीचर उन्होंने दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है आपका जी जो मेरी दूसरी गाड़ी में नहीं था, वो था जी आपका ये फुट रेस्ट। ओके जबकि गाड़ी चलाते हैं तो आपको लगता है
क्लच पे पैर रख रहे आप थक जाते हैं, तो डेड फुट रेस्ट जो होता है वो इस गाड़ी में दिया है मुझे, वो मेरी इस गाड़ी में नहीं है। तो ये है छोटा फीचर, हाँ, लेकिन बड़ा काफी यूजफुल रहता है कभी कभी आपके ड्राइव कंफर्ट के लिए, बड़ा काफी जहाँ एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप जा रहे हैं तो उसके लिए काफी यूजफुल रहता है। सर एक क्वेश्चन इसे जो हमारा रह गया है कि आपने मैनुअल ली है, सर आपको जरूर लगा नहीं कि आज की डेट में जहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक है सिटी में तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ट्राई करना चाहिए? डेफिनेटली जो मेरे को ट्राई कराई मैंने डीसीटी मॉडल ट्राई कराया, अच्छा मॉडल था जी, मुझे पसंद ही आया, टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, बट उन्होंने ओवर प्राइस्ड ओवरली प्राइस किया हुंडई की, ऐसी बेसिकली देखो सारी गाड़ियाँ ओवरली प्राइस है जी। और मुझसे पूछो इस बारे में इसमें कुछ आपको नेगेटिव क्या लगा, तो ये पॉइंट भी है कि ओवर प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस है, क्योंकि ज़्यादा बिक रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी भी अपनी जो मनमानी कीमत जो है ले रही है, सर वो काफ़ी कर रही है। तो मेरा मैंने हुंडई को इस बारे में मेल भी लिखी थी, बट हाँ उन्होंने रिवर्ट नहीं किया, दो तीन पॉइंट थे, मैंने हुंडई को मेल लिखी, उसमें ये पॉइंट था कि ओवरली प्राइस है, ओवरली प्राइस है, प्लस आपने ऐसा इतने मॉडल डाल दिए हैं कस्टमर को, आप कन्फ्यूज कर रहे हो, आप छोटे फीचर की तरफ से पैसे मांग रहे हो, आप ये नहीं होना चाहिए। ठीक है आप आज एक चर्चा मोनोपोली वाली पोजिशन में आ चुके हो, बट कस्टमर इज द किंग, आपको ये भूलना नहीं चाहिए, आप इसके लिए कस्टमर कन्फ्यूज कर रहे हो छोटी इसके ऊपर फीचर के ऊपर, ये है ये नहीं। कहीं ना कहीं हुंडई के जो है थोड़ा बहुत सेटबैक भी है, जहाँ पर टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियाँ फाइव स्टार रेटिंग्स लेकर आ रही हैं, तो क्रेटा के लिए भी ये थोड़े से हुंडई के लिए स्पेसिफिकली गाड़ियों के लिए थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, कि उनके भी अपनी गाड़ियों को इस सेफ्टी पर्पज से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मे भी हमें होप करें कि 2022 में जो नया क्रेटा मॉडल आ रहा है उसमें ये फीचर्स मिले। आप ठीक कह रहे जी, मैंने हुंडई को मेल लिखी थी जी कि आपने जो एयर बैग्स हैं जी फ्रंट पे दे दिए इस रियर सीट में, रियर में क्यों नहीं, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी में होने चाहिए, मेरे हिसाब से सर मैं कहता हूँ छोटी गाड़ी में होने चाहिए, कोई भी कस्टमर सेफ्टी सेफ्टी का इंसान था, सब कस्टमर बराबर है जी, सबकी लाइफ प्रीशियस है, तो आप ये क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि जी जो इतने पैसे देगा उसको हम सारे एयर बैग देंगे, जो नहीं इतने दे रहा उसको दो देंगे, दो देंगे, ये मैंने हुंडई का मेल लिखी है, बेसिक फीचर्स हैं तो सारे वेरिएंट्स में होना ही चाहिए। हुंडई ने आज तक मेरे को इसका रिस्पॉन्स बैक अभी नहीं किया जी मेरे को, ठीक है, मैंने ये भी लिखा, मैंने प्राइस के ऊपर लिखा कि आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो ठीक नहीं है जी, ये भी लिखा, साथ मैंने ये लिखा कि जी आपने चलो डाइवर्सिटी काफ़ी मॉडल निकाल दिए, बट टेस्ट ड्राइव के लिए आपका व्हीकल नहीं आपके पास, मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो मेरे को आई वांट दिस मॉडल टू टेस्ट ड्राइव, बिल्कुल मुझे पता होना चाहिए, वेरिएंट दे दिया जाता है, दिया था जी, उसका मेरे को नहीं आता, कोई जवाब नहीं दिया जी मेरे को आज तक। तो सर आप ये गाड़ी और लोगों को सजेस्ट करेंगे जो क्रेटा लेना चाहते हैं, हुंडई के लिए स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं? देखिए हुंडई के साथ जो मैंने बताया कि प्लस पॉइंट क्या है, दे लिसन अप टू सम एक्सटेंट, औरों के मुकाबले कुछ सुनते हैं लोग, ये बड़ा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतने पैसे खर्च करने में आपको पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए, तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा जो भी क्रेटा लेना चाहते हैं वो इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। यस यस यस। तो सर हम इसका लास्ट में एंड करते हुए अगर इसको तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करें, जैसे हम लोग हर अपने ओनर से पूछते हैं कि तीन सेगमेंट्स हैं, डिससेटिस्फाइड, हैप्पी और हाईली सेटिस्फाइड, तो आप अपने आप को किस सेगमेंट में डालेंगे? देखिए मैं हैप्पी वाली सेगमेंट में तो हाईली जो है सेटिस्फाइड वाली सेगमेंट में आप नहीं जाएंगे? नहीं अभी इस तरह इसमें कुछ अभी ड्रॉबैक क्या करें कंपनी के जो आप चाहते हैं कि हाईली सेटिस्फाइड हो जाए? एक तो सेफ्टी फीचर इसको इम्प्रूव करे जी, मैं ये चाह रहा हूँ सेफ्टी फीचर इम्प्रूव करें। ठीक है, कस्टमर आपको मेल कर रहा है, आपको लिख रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्स करें, भाई कस्टमर ने आपको किंग बनाया है, कोई दिन आपको नहीं चला सकता है जी। हाँ बिल्कुल, आपकी गाड़ियाँ बिक रही हैं तभी आप, तो कस्टमर सुने जी, तो अभी आप हैप्पी सेगमेंट में अपने आपको जो है वोट करेंगे। तो यहाँ पर पंकज जी ने जो हमें रिव्यूज दिए बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इनफैक्ट जो उन सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो क्रेटा लेना चाहते हैं, और उन्होंने अपने आप को जो है हैप्पी कस्टमर की रेटिंग में रखा है, उन्होंने गाड़ी को हैप्पी रेटिंग दी है। ऑब्वियसली अगर हुंडई की तरफ से अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो वो इस कंसर्न को ज़रूर सुनेंगे, और इन पंकज जी जैसे और लोग जो उनके बायर्स हैं, अगर वो किसी तरह का भी कंसर्न रेज करते हैं तो वो उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम इस वीडियो में जो आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? आपके चैनल के बारे में जी कि आप लोगों ने एफर्ट कर रहे हैं जी, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, आवाज़ पहुंचाने के लिए कंपनी की तरफ, कि जो कंपनी अदरवाइज सुन नहीं रही है हमारी आवाज़। जैसे मैंने कहा कि मैंने मेल डाला जी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे को आज तक, सिंस लास्ट दो महीनों से उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया जी। आप आए, आई एम होपफुल कि जी आप हमारी आवाज़ कंपनी तक पहुँचाएंगे और वो जरूर। यस 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 यस, क्योंकि देखो कंपनी अगर सुनेगी तो सब कस्टमर के लिए बेटर होगा और कंपनी के लिए बेटर होगा, इसके लिए भी बेटर। यस यस यस, तो मैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी, हम इनके लिए इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू पंकज जी, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
इस वीडियो में हमारे साथ पंकज जी के बेटे भी हैं, पंकज जी जिन्होंने हमारे साथ अभी वीडियो शूट किया है। और आज हम एक नई चीज और ट्राई करना चाह रहे हैं कि हम हमेशा बात करते हैं ओनर्स की जो गाड़ी ड्राइव करते हैं। इस वीडियो से हम एक और चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें को पैसेंजर्स और फैमिली मेंबर भी अपना रिव्यू दें ताकि हमें और पता चले कि पीछे बैठने वाले जो को पैसेंजर्स हैं और उनकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में। हेलो, आई एम हिमांशु, आई स्टडी इन 6th क्लास इन MCS। अभी तो हमने नई ली थी क्रेटा, और जो पहले हमारे पास ग्रैंड आइटन और पोलो थी उनकी सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जितनी अभी क्रेटा की है। एसी भी बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा। और इसका जो मिरर होता है, मिरर कर्टन होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया चलते हैं। आपको इसमें क्या ऐसे नए फीचर्स हैं जो अच्छे लगे हैं कि आपको लगा कि आपकी पुरानी कार में नहीं थे और यहाँ पर अच्छे हैं? मतलब यहाँ पे वो कर्टन होते हैं बैक सीट पे जिससे धूप नहीं लगती, और एसी भी बहुत बढ़िया था। मतलब पहले उनका एसी हल्का नॉर्मल चलता था। अच्छा, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको कंफर्ट में कैसा है? आराम से साथ में बैठ के सोने में मजा आता है? हाँ जी, इसमें मजा आ रहा है आपको? हाँ जी। ओके इमान, थैंक यू सो मच। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को एक नए तरीके का थोड़ा ये रिव्यू पसंद आएगा। थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके।